अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। और अभी सुबह सुबह का प्यारा प्यारा सा मॉर्निंग का टाइम है और आपको मेरे पीछे में दिख रही हैं अम्मी और ऑफ कोर्स गाड़ी चला रहे हैं बकास और हम निकल गए हैं एक सफर पे। तो हम जा रहे हैं होल सेल वेजिटेबल मार्केट, जिसे हम उर्दू में सब्जी मंडी कहते हैं। तो हम जा रहे हैं सब्जी मंडी और आपको वहाँ जाकर जो हम भाव दिखाएंगे ना, आपकी पक्का अपने सब्जी वाले से लड़ाई तो पक्की पक्की हो जाएगी। तो सलाम दुआ करते हैं बाकी हमारे फैमिली मेंबर्स अब आपसे। कैसे हैं आप लोग? ओ भाई सो रही हैं क्या? गुड मॉर्निंग। अबे सो रही थी ये? नहीं नींद आ रही है मुझे, तो जा रहे हैं हम भी। मैंने कहा चलो हम भी देख लेंगे कुछ सब्जी वब्जी, प्याज व्याज। असल तो मैं प्याज की वजह से जाती हूँ, टमाटर की वजह से। क्या अगर सस्ता मिल जाएगा तो ले लेंगे। और शायद आज हलवा पूरी अम्मी की तरफ से होगी। अम्मी सब्जी पैसे बचेंगे तो खा लेंगे। यार ये तो बस ऐसे कभी दिल रखने के लिए भी नहीं बोलती हैं, ओके 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 भी नहीं करती हैं ये। चले तो अब हम आपको एक व्यू दिखाते हैं। क्या हिसाब है धनिया? धनिया पड़ेगी 6 रुपए गड्ढी, 40 के 200, 5 रुपए गड्ढी पड़ेगी। कम से कम कितने की पड़ेगी? अगर 5 रुपए गड्ढी। 5 रुपए की धनिया ना? सही है अम्मी, 5 रुपए की धनिया है। कितनी लेनी है? पूरे मोहल्ले की ले ले। पालक अच्छी है हैदराबाद। आज मैं सब्जी वालों के सारे पोल खोल के जाऊंगी। अपने इलाके के मंडी वालों के नहीं? आप तो बहुत अच्छे दे रहे हो अपने इलाके के। हम लोग होलसेल वाले, जैसे कि परचून की दुकान होती है और होलसेल की दुकान होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से माशा और आड़ती होता है। सही सही, हम लोग आड़ती है। ठीक है, भैया आप लोग ऐसे साफ करते हैं गाजर? ये पानी है, पानी में साफ कर। ये हमारी मंडी जो गंदगी है ना, इसको आ जाएगा। वो तो हम चलना मुश्किल हो रहा है हमारे। देख लेंगे, हम लोग सुबह नमाज के कपड़े पहन के आते हैं, बारह पहनना पड़ता है। सही बात है। हमारी मंडी की इंतजामिया बहुत सुपर आला है, ऐसी इंतजामिया की घर में सफाई होती है मंडी की सफाई। जनाब मंडी का ये बहुत भयानक व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इंतहाई भयानक व्यू। यहाँ पे लोग कैसे चलते हैं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, बेचारे गरीब लोग। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत बुरी हालत। हम कैसे चल रहे हैं कीचड़ में। बकास पम्पकिन ले ले। गोभी 11 रुपए किलो दे रहे हो? 100 रुपए देख रहे हैं आप? सुनो हमारा सब्जी वाला तो हमें बहुत लूटता है। ये 100 रुपए किलो, 100 रुपए बहुत सस्ती है भाई। कड़ी पत्ता हमें मिला 5 का गड्डी, वाह वाह वाह। पालक क्या दे रहे हो? मंडी में सारे मर्द शर्मा क्यों रहे? सब जिनसे बात करो उनको शर्म आने लगती। ये भाई शर्मा क्यों रहे हो? भिंडी क्या हिसाब है भाई? भिंडी क्या हिसाब? और बैगन 100 रुपए। इसका तो क्लोजअप ले लो, 5 रुपए की बेच रहा है सब्जी वाला, बताएगा इसको। ये 10 रुपए की बेच रहे हैं। हमने 70 रुपए किलो लिए, किलो सब्जियां। क्या क्या हिसाब मिली? मैंने आलू प्याज खीरा 100 रुपए किलो, और लौकी 80 रुपए किलो, गोभी 20 रुपए की, और केलिया, और केलिया टिंडे 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 के हिसाब लिए 100 रुपए, 100 रुपए के किलो। आलू आलू 50 रुपए किलो, और प्याज भी 50 रुपए किलो। धनिया धनिया 10 रुपए की गड्डी ली मैंने। धनिया टमाटर टमाटर लिए नहीं? अच्छा 65 रुपए किलो मिले टमाटर, 65 रुपए किलो। अम्मी हलवा पूरी
चलो भाई आज हम बच्चों के बगैर अब हम पियेंगे चाय, हलवा पूरी हमारी हो गई एंड। आजकल तो रोज ही मजे आ रहे हैं बकास, क्या कहते हो? एक दिन बोला था मैंने, कुछ और बोल देती हूँ। ये ले ले आप गरम गरम चाय। चाय अच्छी है? कैसे पियेंगे गरम गरम? अम्मी के काम शुरू हो गए, धनिया बनाओ पैसे बचाओ। हाँ अम्मी, धनिया बना के रख दूंगी हवा में खुश। कितनी गड्डी थी आपकी? पांच पांच गड्डी थी, अभी चलेगी 10 दिन आराम से। और बाकी सारी चीजें रख ली आपने? हाँ। और आज क्या पक रहा है हमारे यहाँ है? देख लो, आज बन रहा है पुलाव, है ना? उनैस पढ़ाई कर रहे हैं, है? हाँ, उनैस का एग्जाम चल रहे हैं, असेसमेंट हो रहे हैं। अब मेरी राइटिंग इग्नोर करें आप, और बस अब एंड चल रहा है उनैस का, और उनैस ऑफ हो जाएगा, है ना उनैस? गुड लक। और आप तो अपनी मस्ती में, क्यों हंसी आ गई? वजह तो बताओ। लाओ बनाया? लाओ। हाँ, तो नाश्ते के बाद आप लोग सो गए थे और अभी उठे? हाँ, सो गए थे, फिर उठे दोपहर में ही उठे। बच्चे की तैयारी हो गई पेपर की? क्या आज सब मुंह उपवास रखा हुआ है, बात नहीं करनी है? वाला तो क्या करके बात कर लो कि हम जो सब्जी रहे ना, तो हम गए थे अभी बाहर, हमने रेट पूछा सब्जियों के, तो क्या रेट। तो बात ये है कि महंगाई तो हुई है, लेकिन हमारे जो इलाके के शॉप कीपर्स और ये सब है ना, इन लोगों ने ज्यादा महंगाई की। अब जो है वो क्या करें, जिनकी पहुंच से दूर है मंडी, वो तो बेचारे गरीब यहीं से लेते हैं, इन्हीं से लेते हैं। मंडी जो है ना, कहते हैं लोग के जाने का फायदा, पेट्रोल लग जाता है, जरूर लग जाता होगा पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल हर काम में लगता है। अब तो अगर आप एक हफ्ते की ले आए सब्जी और आप उसको अच्छे से अपने पास रखें, तो आपके टेंशन भी खत्म कि क्या पकाना है, और आपके महंगा भी नहीं कि आपको एक एक किलो आलू लेने जा रहे हैं। मुझे 5 किलो आलू आप ले सकते हैं, 250 रुपए का आएगा। यहाँ से आप एक एक किलो लेंगे, 500 का आएगा। सर जिसको जैसे आसानी होती है, हमें हमेशा मंडी में आसानी ही लगती है। बस अब ले आए एक हफ्ते, 10-15 दिन तो कहीं नहीं गए हमारे, कहीं नहीं गए। और 10-15 दिन चलेंगे। सुबह उठे, नींद खराब की अपनी, और गए और मंडी में जो गदर था, इतना रश था, भरे हुए थे लोग। चीजें सस्ती है ना, उन मार्केटों की बहुत हालत बुरी है, उसको नहीं देख रहे, उसको नहीं ठीक कर रहे। ऐसा हम देते हैं, बुरा हाल भी हमारा है। ये देखो मेरी 7 अप लेके भाग रहा है, इसको दिखा। उमर, ओ भाई लाओ दो ना। उमर, तो आज की वीडियो का होता है यहाँ पे दी एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और क्लिक द बेल आइकन। याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हमारा ये व्लॉग लाजमी शेयर कीजिएगा।